मेरा नाम प्रवीण सिंह, आप देख रहे हो कि आज यदि प्रवीण एग्जाम यू। मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए सबसे फायदेमंद बातें बताऊंगा और कुछ ऐसे बातें बता दूंगा जिससे आप सभी का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। आपने नवोदय विद्यालय क्लास 9th का तैयारी किया है, मतलब एकदम अच्छे से तैयारी किया था, पेपर भी अच्छे से दिया था, नहीं गया है उनका पेपर और सोचते हैं कि कुछ मिस्टेक हो गया है, तो मैं कुछ ऐसे स्कूल के बारे में बताऊंगा जो नवोदय विद्यालय क्लास 9 के जैसे नवोदय विद्यालय जैसे ही है और कुछ में फीस लगता है, कुछ में फ्री है और सेम सिलेबस जो नवोदय विद्यालय क्लास 9 का सिलेबस है, आपने मैथ, हिंदी, साइंस और भी सब सब्जेक्ट पढ़े हैं, वही सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट उसमें भी मिलेगा। सोचिए, नवोदय विद्यालय की तैयारी किए हैं और यही तैयारी करके आप सिंपली कुछ और कर लेंगे, मतलब कुछ और प्रैक्टिक उसके क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे, तो आपका मतलब आपको पता चलेगा कि उसमें कैसा क्वेश्चन आता है। और जानना चाहते हैं कि उन सबके बारे में तो कमेंट करके बता सकते हैं। 10K के बहुत करीब हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। 10K जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, इस समय 9K से ऊपर हो चुके हैं। तो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सभी स्कूल को नाम और क्या किया आएगा वो सभी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कई लोग कमेंट करके पूछे थे कि क्या नवोदय जैसा कोई और स्कूल है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप सभी को बता दूं। अभी भी आपके पास बहुत समय है और उसका तैयारी करके आराम से नवोदय के तीन तीन स्कूल, चार चार स्कूल एक ही साथ निकाल सकते हैं। आपके पास चार ऑप्शन हो जाएगा नवोदय में जाना है या उस स्कूल या उस स्कूल, मतलब कई स्कूल में आप सभी को ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें जाना हो जा सकते हैं। तो सभी स्कूल का सिलेबस में बता दे, सिलेबस कर रहा हूँ, क्या क्या आएगा वो बता दे रहा हूँ, कौन सा स्कूल है वो भी बता दे रहा हूँ। पहला स्कूल है नवोदय के जैसा सीएचएस, आप नाम सुने ही होंगे सीएचएस स्कूल का, और आप उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ला सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। और उसके बाद से साइंस रहेगा, साइंस भी 20 नंबर का रहेगा, 20 मतलब 20 क्वेश्चन रहेगा। और उसके नीचे आएंगे जनरल नॉलेज, यहाँ पे जनरल नॉलेज भी 20 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। उसके नीचे आएंगे इंग्लिश, इंग्लिश भी 20 नंबर का रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। यानी उसके नीचे आएंगे हिंदी, यहाँ पे हिंदी देख सकते हैं, हिंदी भी 20 नंबर का। आप यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा देख सकते हैं नवोदय से, मतलब नवोदय में आप सभी को यहाँ पे जनरल नॉलेज नहीं मिलेगा, बाकी सब सब्जेक्ट है नवोदय में। और उसके नीचे आएंगे, देखिए ये सभी सीएचएस का है, सीएचएस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे सीएचएस का है, आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन किस में आता है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल, साइंस और मैथ में सभी चीज़ आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये क्लास 9th का है, ये टोटल क्वेश्चन मतलब टोटल 90-100 क्वेश्चन रहता है और इसके टाइम 2 ही घंटा रहता है, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटा रहता है। लेकिन आप सभी को बता दूं, जो यहाँ पे आपने नवोदय विद्यालय क्लास 9 का पेपर दिया उसमें 2.5 घंटे का समय मिला था, लेकिन इसमें 2 ही घंटा समय मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज़ के बारे में, 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आएगा और जितना भी मतलब जितना सिलेबस रहेगा क्लास एर्थ से रिलेटेड रहेगा। और मैं यह आप सभी को एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, जो क्लास एर्थ से रहेगा वो एनसीईआरटी बुक से अधिकतर मैच खाता है, जो यहाँ पे मतलब सीएचएस का जो सिलेबस रहता है वो एनसीईआरटी बुक से पूरा मैच खाता है जहाँ तक मुझे पता है। और उसके नीचे आएंगे यहाँ पे आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, और सीएचएस का मतलब होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल। हिंदू स्कूल का मतलब क्यों नहीं कि केवल हिंदू पढ़ सकते हैं, इसमें हर एक जाति के लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई जाति भेद नहीं है, बस नाम वैसा है। और यहाँ पे आरएमएस का है, तो आरएमएस का सबसे पहले यहाँ पे पैसा वाला गया, यहाँ पे आरएमएस का बता दे रहा हूँ कि आरएमएस में क्या क्या आएगा। यहाँ पे इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, सोशल साइंस आएगा, साइंस आएगा, मैथ आएगा, यानी आप सभी को सभी चीज़ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 50 नंबर का रहेगा इंग्लिश रहेगा, 20 नंबर का हिंदी रहेगा, 30 नंबर का सोशल साइंस और 50 नंबर का साइंस रहेगा, 50 नंबर का मैथ रहेगा। और सब देख सकते हैं कि आपको 50 तो क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का, 20 तो हिंदी का, 30 तो जनरल साइंस का, 50 तो साइंस का और 50 तो मैथ का। आप काउंट करके जोड़ के देख सकते हैं, यानी 200 नंबर का, मतलब टोटल 200 नंबर का होगा, मतलब 200 नंबर का होगा या 200 क्वेश्चन रहेगा, आपको एकदम अच्छे से इसमें लाना है। और इसका कुछ फी रहता है, जैसे कि आप नवोदय विद्यालय में पास हो जाएंगे तो उसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता है, जैसे पढ़ने के लिए या कोई भी सामान खरीदने के लिए कुछ भी पैसा नहीं लगता है। और ये मैं कहूँगा कि ये सबसे बढ़िया स्कूल माना जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, इसमें से बच्चे जब जाते हैं तो सिंपली वो एयरफोर्स या कोई भी मतलब जो रहता है
डिफेंस सेक्टर में चले ही जाते हैं, वो डिफेंस सेक्टर में एकदम परफेक्टली चले जाते हैं। और इसका एग्ज़ाम, मान लीजिए कि इसका एग्ज़ाम हो गया, इसका एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद से क्या होगा, इसमें मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट को आपने क्वालिफाई कर लिया तब जा करके एडमिशन होगा। एडमिशन में भी बहुत से प्रक्रिया होता है कि आप है या नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिसके घर के जो लोग रहेंगे उसको कुछ छूट मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिविलियंस, यानी 24,000 पर मतलब एनुअल लगेगा, 24,000 आप भर देंगे तो एक साल के लिए आपका पूरा काम हो जाएगा। ऊपर से एक्स्ट्रा पॉकेट मनी तो अपने बच्चे को देना ही होगा। और ऊपर से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी चीज़ दिखाई दे रहा होगा, जो एयरफोर्स मतलब आर्म फोर्स में रहता है उसको 15,000 लगेगा, जिस यू डियर इक्विवेलेंट, यानी ये भी देखिए 7,200 लगेगा इसमें, और इसमें 15,000 लगेगा, इसमें 7,200। और इसमें नीचे आएंगे सबसे ज़्यादा एसटी का मतलब 25% मतलब फीस लगेगा, मतलब 25% का छूट है, मतलब बहुत कम लगता है। और इसमें यही है कि आपको फ़ीस देना पड़ेगा आरएमएस में, और भी यही मतलब यही दो ठो फॉर्म है। तो अभी इसका फॉर्म नहीं आया है, आप सोचेंगे इसका फॉर्म आ गया होगा, लेकिन अभी तक इसका फॉर्म नहीं आया है। और भी सभी स्कूल का जैसे नवोदय विद्यालय का आया है, वैसे इसी का भी, इसका भी फॉर्म आ जाएगा, तो आपको कमेंट कर मतलब वीडियो बना करके बता दूंगा। अगर आप एक पार्टिकुलर स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं, आरएमएस के बारे में जानना चाहते हैं, आरएमएस का तैयारी करना चाहते हैं, जो 9 का तैयारी किए हैं वही सेम टू सेम इसको भी, इसका तैयारी कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा। अगर आप CHS का भी तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए CHS का भी यही सिलेबस है, बस जनरल नॉलेज आप तैयार कर लेंगे तो समझिए हो जाएगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और जितना स्टूडेंट इस पर आएंगे तो मैं इस पर और भी इसके फुल डिटेल, CHS के बारे में फुल डिटेल, और भी जैसे कि RMS के बारे में फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे सिलेक्शन होता है, कितना नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा सभी तरीके से। जिस तरह आपको नवोदय के बारे में सभी चीज़ बताया हूँ, उसी तरह इन दोनों स्कूल के बारे में बता दूंगा। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, दोनों स्कूल का अभी से तैयारी करके इन दोनों स्कूल को, दोनों स्कूल का एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिए, नाम रोशन करा दीजिए अपने माँ बाप का।